नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, एमबीबीएस एमडी एंड डीएम फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूं। तो आज के हमारे वीडियो का शीर्षक है ओवेरियन कैंसर के स्टेज 3 और स्टेज 4 के इलाज के 3 नए तरीके। जो और जब हम नए तरीके की बात करते हैं, इससे हमारा तात्पर्य है वो टेक्नोलॉजी या वो ट्रीटमेंट जो यदि आप कुछ ही साल पीछे जाओगे तो हमारे पेशेंट्स को उपलब्ध नहीं थी। तो ओवेरियन कैंसर की यदि हम बात करें तो ओवेरियन कैंसर का मतलब होता है लेडीज के अंडाशय का कैंसर, यानी कि वो ऑर्गन जिसमें लेडीज के एग्स बनते हैं। तो यदि हम क्लासिकली इस बीमारी का ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो क्लासिकली इसकी ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी और ऑपरेशन की कॉम्बिनेशन से होती है, और हालांकि इस ट्रीटमेंट से सेटिस्फैक्ट्री आउटकम कई पेशेंट को मिल जाता है, इन ट्रीटमेंट्स में कुछ कमियां हैं। पहला है कि कई पेशेंट ऐसे हो गए जिनको इन ट्रीटमेंट से फायदा नहीं होगा, यानी कि कीमोथेरेपी के बावजूद बीमारी बढ़ जाएगी या कीमोथेरेपी सहन नहीं होगी, या फिर ऑपरेशन जब हम इन पेशेंट का करेंगे तो ट्यूमर बॉडी से पूरी तरह निकल नहीं पाएगा। तो इन पेशेंट्स की ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हो पाती है और इन पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए कुछ नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। सेकेंड, कई पेशेंट ऐसे हैं जिनका हम शुरू में ट्रीटमेंट कर सकते हैं इन पुरानी ट्रीटमेंट से और बीमारी कंट्रोल भी हो जाती है, परंतु उसके बाद बीमारी वापस आ जाती है और इस रिलैप्स बीमारी को ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इन दो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के लिए नई ट्रीटमेंट्स की जरूरत है और मेजर इंटरनेशनल लेवल पर साइंटिफिक रिसर्च इन्हीं कमियों को पूरी करने की कोशिश में कई सालों से लगी हुई है, जिसका रिजल्ट ये नई ट्रीटमेंट्स है जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली ट्रीटमेंट है एंटी एंजियोजेनिक थेरेपी। तो एंजियोजेनेसिस से हमारा मतलब है ब्लड सप्लाई बनना। तो किसी भी बॉडी के ऑर्गन को ब्लड सप्लाई की जरूरत है, और कैंसर भी जो कि बॉडी के अंदर ही है, कैंसर को भी ब्लड सप्लाई की जरूरत है ताकि ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन से मिल सके और वेस्ट प्रोडक्ट वो अपने आप से दूर फेंक सके। तो कैंसर सेल क्या करता है, नॉर्मली कुछ केमिकल स्पेशल बनाता है जिससे बॉडी को सिग्नल मिलता है, जिससे वो कैंसर को एक ब्लड सप्लाई दे देती है, जिससे उसका ग्रोथ और स्प्रेड करना पॉसिबल हो जाता है। तो एंटी एंजियोजेनिक ड्रग्स को स्पेशल तरह के ड्रग्स है जो ट्यूमर का ब्लड सप्लाई बनना ब्लॉक कर देती है। रिजल्ट ये होता है कि ट्यूमर ब्लड सप्लाई से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं ले पाता और उससे ट्यूमर की डेथ हो जाती है। तो एंटी एंजियोजेनिक थेरेपी के कुछ बहुत ही स्पेशल फायदे है। नंबर वन, चूंकि एंजियोजेनेसिस मेनली ट्यूमर के साइड पे होता है और बाकी बॉडी पे इतना नहीं होता, ये बहुत ही स्पेसिफिक थेरेपी है, मेनली ट्यूमर पे इसका असर रहता है बहुत ही अच्छा, जबकि रिमेनिंग बॉडी पे साइड इफेक्ट जनरली बहुत ही कम रहते हैं। तो इस रीजन से बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट बन जाती है। नंबर टू ट्रीटमेंट, तो नंबर टू ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं पार्प इनहिबिशन। पार्प इनहिबिशन का मतलब है डीएनए रिपेयर पाथवे को ब्लॉक करने वाली दवाइयां। तो इस चीज को हम कैसे समझें, बॉडी में जो नॉर्मल अरबों खरबों सेल है वो अपने नॉर्मल डे टू डे जॉब में अपने डीएनए में कई सारे डिफेक्ट्स जनरेट करते हैं, तो ओवर टाइम डीएनए उनका डैमेज होता रहता है, परंतु सेल के अंदर ही कुछ स्पेशल मशीनरी है जिसे डीएनए रिपेयर सिस्टम बोलते हैं। तो सेल में जरा सा भी डीएनए डैमेज होता है वो सिस्टम आके उस डीएनए को ठीक कर देता है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि सेल में बहुत सारा डीएनए डैमेज इकट्ठा हो जाए तो सेल की डेथ हो जाती है। तो कैंसर सेल में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन सेल्स का डीएनए मशीनरी ऑलरेडी थोड़ा सा खराब होता है, तो नॉर्मली कंटीन्यूअसली डीएनए में डैमेज इकट्ठा करते रहते हैं, पर ये डैमेज इतना ज्यादा नहीं होता कि सेल की डेथ हो जाए। तो पार्प इनहिबिटर्स को स्पेशल दवाइयां होती है जो हम बाहर से बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो सेल कैंसर का डीएनए डैमेज था पर उसको रिपेयर कर रहा था जैसे जैसे, उस बचे खुचे डीएनए रिपेयर को भी हम ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि सेल अपना डीएनए डैमेज बिल्कुल रिपेयर नहीं कर पाता। नेट रिजल्ट ये है कि सेल में डीएनए डैमेज बहुत सारे इकट्ठा होता है और कैंसर सेल की डेथ हो जाती है। तो इस थेरेपी की भी एक बहुत ही अच्छी चीज ये है कि कैंसर स्पेसिफिक है, जो डिफेक्टिव डीएनए रिपेयर है वो कैंसर सेल की ही प्रॉपर्टी है। नॉर्मल सेल में यूजली डीएनए रिपेयर सिस्टम काम करते हैं प्रॉपरली। तो नेट रिजल्ट ये होता है यदि हम ये थेरेपी दे तो सिर्फ कैंसर सेल की डेथ होती है और नॉर्मल सेल को रिलेटिवली ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता। तो नेट रिजल्ट ये होता है कि इस बीमारी का इफेक्ट बहुत अच्छा है जबकि साइड इफेक्ट बहुत लो है, और ओवेरियन कैंसर में लास्ट फ्यू इयर्स की इसको सबसे बड़ी इनोवेशन में से एक माना जाता है। कुछ स्पेशल पॉपुलेशन में तो ऐसा देखा गया है कि पार्प इनहिबिशन के इस्तेमाल से जिन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट ना दी जाए उनसे कंपेयर्ड जिन पेशेंट को ट्रीटमेंट दी जाती है बेनिफिट ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हायर होता है। तो ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो ओवेरियन कैंसर की ट्रीटमेंट को
बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज कर देती है इन द कमिंग ईयर, इसका इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। और नंबर थ्री ट्रीटमेंट की हम बात करें वो है कैंसर इम्यूनोथेरेपी। यदि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर है तो आप अन्य इम्यूनोथेरेपी से रिलेटेड वीडियो भी देख चुके होंगे बाय नाउ। यदि आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड दूसरे वीडियो से भी और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। परंतु यदि ग्रॉसली बात करें तो ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज है जो बॉडी को अलाउ करती है कैंसर सेल को पहचानने के लिए और इम्यून सिस्टम को अलाउ करती है उन कैंसर सेल्स को मारने के लिए। चूंकि ये बड़ा ही नेचुरल तरीका है कैंसर के ट्रीटमेंट का, इसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं होता और बेनिफिट यूजली काफी अच्छा होता है। बट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ओवेरियन कैंसर में हर पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी से फायदा नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आपको टेस्ट करके ये बताए कि आपके पेशेंट में ट्रीटमेंट एक्टिव है या इनएक्टिव है। सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में ट्रीटमेंट दी जानी चाहिए जिनमें ट्रीटमेंट का फायदा होने का चांस है, और जिन पेशेंट में ट्रीटमेंट का फायदा होने का चांस नहीं है उनमें ट्रीटमेंट को अवॉइड कर देना चाहिए। क्योंकि वन, ये ट्रीटमेंट को यूज करना थेरेपी का कॉस्ट बढ़ाता है, और टू, इस ट्रीटमेंट के भी चाहे हल्के फुल्के पर कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें जो आपको गाइड कर सके कि आपके इंडिविजुअल पेशेंट में बेस्ट ट्रीटमेंट क्या रहेगा। इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, एंटी एंजियोजेनिक थेरेपी, पार्प इनहिबिटर, कीमोथेरेपी, सर्जरी इत्यादि, ये कैंसर डॉक्टर का काम है कि सही पेशेंट को सही ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस दीजिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से यूजफुल जानकारी मिली होगी। हमारा चैनल का मेन पर्पज ये है कि जो भी इंटरनेशनली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो हमारे कंट्री में नई अवेलेबल है या धीरे धीरे आ रही है, उसके बारे में हमारे पेशेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिले ताकि वो इन ट्रीटमेंट्स को एक्सेस कर सके। तो यदि आपको कटिंग एज कैंसर ट्रीटमेंट के टॉपिक में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। यदि कोई आपके सवाल या क्वेरीज है जो इस वीडियो से सॉल्व नहीं हो पाए हैं तो स्क्रीन पे हमारे कॉन्टैक्ट चैनल्स और सोशल मीडिया लिंक्स डिस्प्लेड है। इनमें से किसी भी चैनल से या वीडियो के कमेंट के माध्यम से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पर्सनली आपके सवालों की मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आप तक उनका आंसर पहुंच जाए। इसके अलावा यदि आपके पास कोई सजेशन है, आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो आप वो सजेशन भी हमको भेज सकते हैं। सो आपकी अटेंशन के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच।